ऐसा है। बीजक में अभी तक शब्द प्रकरण से चर्चा चल रही थी, आज ज्ञान चौंतीसा पर शुरू करते हैं। ज्ञान चौंतीसा बीजक का तीसरा प्रकरण है। ये छोटा प्रकरण है। इसमें सद्गुरु कबीर ने साधनात्मक बातें ज्यादा बताई हैं। मन को परखने के लिए, आत्मसंयम के लिए, गुरु की भक्ति के लिए, इस प्रकार से महत्वपूर्ण बातें। इसमें खंडन मंडन कुछ नहीं है ज्यादा। तो आज इसी पर शुरू करते हैं। सद्गुरु पहली चीज, ज्ञान चौंतीसा का मतलब ही होता है ज्ञान के 34 अक्षरों पर, 34 अक्षरों पर ज्ञान की चर्चा। कबीर साहब को लोग कहते हैं कि वे अनपढ़ थे, लेकिन वे क्रम से हिंदी वर्णमाला के उन 34 अक्षरों पर कितना बढ़िया विवेचन देते हैं। 36 अक्षर होते हैं, लेकिन साहब ने 34 अक्षरों पर चर्चा किया है। आ शब्द सबसे पहले उन्होंने लिया, अन्य सारे अक्षर और मात्राएं हैं। आ जो है ये अन्य शब्दों में मिल करके काम करता है, इसलिए सबसे पहले आ, और आ से उन्होंने ओंकार पर चर्चा किया, और इसके पश्चात फिर का से छा तक। त्रा और ज्ञा ये दूसरे शब्दों के जोड़ से बने हुए हैं, इसलिए त्रा और ज्ञा को छोड़ दिया उन्होंने, और का से छा तक उन्होंने सार्थक अर्थ और ज्ञान परक अर्थ दिया है। तो आज उन्हीं पर कुछ चर्चा होती है। सद्गुरु कहते हैं, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई, जिन्या लखा सो बिरला होई। ओंकार, ये जो जानता है कि ओंकार का मूल मनुष्य है, ओंकार आदि जो जाने, ओंकार शब्द को जो ये मानता है कि ये मूल वचन है, आदि का मतलब मूल का, आरंभ का, मतलब जो शुरुआत का है, ऐसा जो मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो मूल का मानते हैं, ओम ही सबसे बड़ा है। तो साहब कहते हैं कि ये ओम कैसे बड़ा हो सकता है, इसका बड़ा विस्तार है। शास्त्रों में बड़ी इसकी महिमा गाई गई है। हिंदू समाज में तो ओम को ही बहुत बड़ा माना गया है, और ये कहा गया कि ओम से सृष्टि हुई, ओम सभी प्राणी और पदार्थ जगत में व्याप्त है, इसलिए ओम ही सबका कल्याण करने वाला है, ओम ही प्रणव है। साहब इतनी बड़ी बात को जो इतना बड़ा समाज मानता है, और जिसके लिए इतना लोगों का भाव है, साहब साफ एक बार में काट देते हैं। लिख कर मेटे ताहि सो जाने, ओम शब्द को लिख करके और फिर मेट दिया जाता है। अगर उसमें शक्ति है
तो फिर वो मिट कैसे जाएगा? पाटी पर लिखा जाए, कागज में लिखा जाए, या मिट्टी पर लिखा जाए, दीवार पर लिखा जाए, तो एक चिन्ह है, लिखने वाला अलग मनुष्य है, और बोला जाए तो एक शब्द है, संकेत है, बोलने वाला एक मनुष्य है। ओम क्या चीज है, उससे क्या होता है? अगर मनुष्य ना बोले तो ओम का किसी को पता ना चले, मनुष्य ना लिखे तो ओम प्रकट नहीं हो सकता है किसी ढंग से। तो फिर ये ओम की शक्ति क्या है, ओम की क्यों इतनी महिमा गाई गई? वास्तव में ये आत्मभूल के कारण, चेतन स्वरूप को भूल करके, अपने आप को भूल करके मनुष्य कहीं अलग से अपना उद्धारक मानता आया है। सदैव से मनुष्य का मन कमजोर रहा है, और ये कमजोरियां ही तमाम काल्पनिक देवी देवताओं का निर्धारण करती हैं, और काल्पनिक शब्दों का गठन करती हैं, गढ़े जाते हैं। ऐसे में तो सदगुरु कहते हैं, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। जिसने ओंकार को बड़ा माना, श्रेष्ठ माना, शुरू का माना, और यही माना कि इसी से सृष्टि प्रारंभ हुई है, वो खुद विचार नहीं किए कि ये बड़ा नहीं है, बल्कि इसको लिखने वाला बड़ा है। साहब ने बीजक के इसी पिछले अध्याय में 112वें शब्द में खूब प्रश्न किया है, झगड़ा एक बड़ो राजा राम में, कि वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ईमन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना, और तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। इस प्रकार से वहां अनेक प्रश्न किए हैं कि इन सबको बनाने वाला बड़ा है कि ये चीजें बड़ी हैं। वही भाव यहां भी है कि ओम जिसके लिए बड़े आप श्रद्धा के भाव रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, ओम ओम जप करके आत्म कल्याण की चेष्टा करते हैं, तो ये सोचिए कि ये ओम बड़ा है कि इसको जपने वाला, ओम बड़ा है कि इसको लिखने वाला या मानने वाला। वास्तव में ओम नहीं, ओम को कहने वाला, ओम की कल्पना करने वाला। ओम शब्द में तीन शब्दों का निर्धारण किया गया है, तीन शब्दों के जोड़ से ओम शब्द बना है, आ उ मा। तो इसमें और बहुत लोगों ने विचार किया है कि ये शब्द ब्रह्मा विष्णु महेश वाचक हैं, और सृष्टि के उत्पत्ति प्रलय और निर्माण में ये काम करते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं, नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये ओम शब्द इसी से बना हुआ है। तो कई भावनाएं सतरजतम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कल्पना है, कल्पना कर लिया जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन कल्पना से कल्पक बड़ा होता है। जो कल्पना करता है वो दूसरी भी चीज की कल्पना कर सकता था। बहुत चीजें और कल्पित हैं, देवी देवताओं की कल्पना की गई, उसको ना मान करके दूसरे को मानने लगता है। तो ये मनुष्य है, वो चाहे तो इसको माने चाहे ना माने। इसीलिए साहब कहते हैं कि ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। लोग ओम ओम तो सब कहते हैं, और उसमें अपने मन को एकाग्र करके शांति, कल्याण, मुक्ति, स्वर्ग पाने की कल्पना करते हैं। लेकिन विचार करो, जिन यह लखा सो बिरला होई, इसको जो सही ढंग से समझता है वो बिरला है। कि ओम अपने आप में कुछ नहीं, ओम को कहने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति लिख दे तो
लोग जानते हैं, और वही मिट देता है, मिटा देता है। ओम अपने आप में कोई अस्तित्व वहां पर कायम नहीं करता कि व्यक्ति ने क्यों मिटा दिया, इसलिए ओम बड़ा नहीं। ओम की कल्पना करने वाला, ओम का उच्चारण करने वाला, ये बड़ा है। और वह है जीव, वह है चेतन, चेतन श्रेष्ठ है। चेतन सबके अंदर आत्मा है, जो अपना निज स्वरूप है। सद्गुरु कबीर का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कोई उन्होंने नए ढंग से गढ़ा नहीं, ये जीव जगत का, मतलब जीव के कल्याण के लिए जो सिद्धांत होना चाहिए वही है। और ये पुराकाल से तत्व चिंतकों ने, आध्यात्मिक साधकों ने इसी का प्रतिपादन किया है। उपनिषद का चिंतन यही चिंतन है, वेदों में इसके खूब वचन भरे हुए हैं। गीता यही कहती है, उपद्रष्टा अनुबंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापित्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जो विशेष पुरुष है, सबका दृष्टा, मनन चिंतन करने वाला, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता चेतन आत्मा, वो देह अस्मिन, वो देह के अंदर ही विराजमान है, उस चेतन तत्व को हम समझें। सूफी संतों ने भी इसके लिए खूब कहा है कि वो तत्व सबके अंदर है, और ये बाहर का जड़ाध्यास, देहाध्यास, विषयाध्यास को त्याग करके वो मिलता है। राह हक हरगिज न आवीता न गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। ये जब तक त्याग नहीं किया जाएगा बाहर की कल्पनाओं का, राह हक हरगिज न आवी, वो सही रास्ता कदापि नहीं मिल सकता है। इसलिए उन कल्पनाओं से ऊपर उठें। वही बात यहां साहब कहते हैं कि ओंकार की कल्पना सब करते हैं, इसी से सृष्टि हुई, इसी से सबका निर्माण हुआ, इसी से सबको सुख शांति मिलेगी। लेकिन जो सुख शांति का साधन है स्वरूप विचार, कर्मों का सुधार, सदाचार, इनको अपनाया नहीं गया। विषयों में, कल्पनाओं में, दोष दुर्गुणों में और भ्रम मान्यताओं में हम भटक रहे हैं, कैसे सुख मिलेगा? सुख है आत्मचिंतन में। सच्चे सुख को हम समझते नहीं हैं, इसीलिए क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं और परिणाम में दुख पश्चाताप पाते हैं। साहब कहते हैं कि जिसको तुम लिखो और फिर मेट दो, वह श्रेष्ठ नहीं है। लिखने वाला और मेटने वाला श्रेष्ठ, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वही चिंतक है। जो स्वतंत्र होता है वही चिंतक होता है और वही श्रेष्ठ होता है। ओम में कोई ताकत नहीं है कि वो किसी चीज का निर्माण कर सके, बना सके। ओम ओम तो सभी कहते हैं, लेकिन इसकी यथार्थता को जो कोई समझे वो श्रेष्ठ है, वो महान है, और उसको समझने वाला मनुष्य है। सभी चेतन जीव हैं, सभी में वो शक्ति है, लेकिन मनुष्य इस बात को समझ सकता है, इसके पास ये शक्ति है, बुद्धि है, क्योंकि शरीर ऐसा पाया है। अन्य प्राणियों का जीवन मन प्रधान नहीं है, वो इंद्रिय प्रधान है, इसलिए वहां पर कल्पना की शक्ति नहीं है, विवेक की शक्ति नहीं है, और वे अपने दुखों को मिटाने के लिए कल्पनाएं नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा कल्पना करते हैं, मुझे क्या खाना है, कहाँ रहना है, अपने बच्चों की कैसी दूध पिला देना है, परवरिश कर लेना है, बस इतना थोड़ी सी कल्पना है उनके पास। छोटा सा मन है, बहुत सामान्य, वो चरने चले जाएंगे, लौट करके आ जाएंगे अपने बिल में, घोंसले में, खूंटे पर, बस इतनी सी कल्पना है। लेकिन मनुष्य के पास अपार शक्ति है कल्पना की,
और जिस क्षेत्र में लगता है उधर ही वार पार कर देता है। जीव ही शक्ति अपार है, देखो देखनहार। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि जहां लागे तहां सब कुछ करे, जीव ही सृष्टि अपार, जीव ही शक्ति अपार और देखो देखनहार। इस प्रकार से जीव की शक्ति विशाल है। ये संसार की समस्त चीजों को किसने बनाया, विज्ञान किसकी देन है, ये गाड़ी मोटर कंप्यूटर जहाज जल जहाज पनडुब्बियां सैटेलाइट ग्रह उपग्रह बनाने वाले जो हैं, ये कौन है, कोई पशु पक्षी है, मनुष्य ने बनाया, किसी कल्पना के देवता ने भगवान ने नहीं बनाया है, मनुष्य मनुष्य ही श्रेष्ठ है। इसलिए हम अपनी श्रेष्ठता को पहचाने, किसी कल्पना के शब्दों में ना उड़ें, नहीं तो वही हमारे लिए श्रेष्ठ हो जाएगा और जो कल्पक है जो श्रेष्ठ है वो तुच्छ हो जाएगा। और आत्मभूल सबसे बड़ी भूल है, अपने आप को भूल करके फिर कभी भी मनुष्य को आत्म संतोष नहीं मिल सकता है, आत्म तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। और फिर अपने आप को भूल करके वो सदाचार में भी स्थित नहीं हो सकता है। जीवन में शांति पाने के लिए, समाज में सदाचार कायम करने के लिए चेतन जीव का स्थापन और उसकी महत्ता को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे, संसार में हम केवल भटकते रह जाएंगे। वासनाओं का त्याग नहीं हो सकता है, मन की पहचान नहीं हो सकती है, फिर इंद्रियों पर संयम नहीं हो सकता है, और फिर आवागमन का चक्र कैसे मिट सकता है, क्योंकि विषयाध्यास बना रहेगा, देहाध्यास बना रहेगा, और फिर उससे वासनाएं जागृत होती रहेंगी और मोह आसक्ति बनी रहेगी, और जिसका परिणाम यह होगा कि आवागमन का चक्र लगा रहेगा। इसलिए अपने आप को पहचाने। सद्गुरु कबीर ने इस प्रकरण के प्रारंभ में ही जो बात कही है वो अत्यंत प्रेरणाप्रद है, कल्याणकारी है। अपने आप को हम पहचाने, मैं कौन हूँ, हम अपने आप को पहचाने और अपने इस तथ्य को पहचाने कि हमारा कल्याण कैसे होगा। सद्गुरु कहते हैं कि ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सुमाने, ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति। अब साहेब का अक्षर पर विचार करते हैं। कक्का कवल कीर्ण में पावे, शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे, तहां कुसुम रंग जो पावे, अवगाह गहि के गगन रहावे। सदगुरु का अक्षर पर विचार करते हैं। का अक्षर मानो कहता है अर्थात सदगुरु कबीर के का अक्षर, सदगुरु कबीर का अक्षर को माध्यम बना करके उपदेश करते हैं। हे साधक, हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में ही तुम स्वरूप का बोध पाओगे। किंतु शर्त यह है कि तुम्हारा मन विकसित एवं प्रबुद्ध हो। का अक्षर कहता है कि कक्का कमल कीर्ण में पावे, शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे। कमल कीर्ण, कमल कहते हैं हृदय कमल को। यहां पर अनेक कमलों की उपमा दी गई है, हृदय कमल,
कर कमल, ग्रीवा कमल। तो ये कमल क्या है? कमल का मतलब जो प्रिय है, जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए यहाँ कमल की उपमा दी गई है। यहाँ हृदय कमल है, और हृदय कमल में कक्का कमल कीर्ण में पावे, हृदय में उस कमल को तुम पाओगे। और वह कमल है आत्मा स्वरूप ज्ञान। साहब कहते हैं हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में ही तुम स्वरूप का बोध पाओगे, किंतु शर्त यह है कि तुम्हारा मन विकसित एवं प्रबुद्ध हो, वह विषय वासनाओं में सुप्त ना हो। ज्ञान से प्रकाशित हृदय में जब स्वर्णिम स्वरूप बोध प्राप्त करो, तब उस अग्राह्य ध्येय वस्तु को ग्रहण कर हृदय में स्थित रहो। बाहर विषयों में नहीं, हृदय में उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कक्का कमल कीर्ण में पावे, शशि विग्रसित संकुट नहीं आवे का अक्षर कहता है कि जो ज्ञान की किरण है वो हृदय कमल में मिलेगी। कमल हृदय, किरण किरण, किरण कहते हैं प्रकाश को। कहाँ से प्रकाश? जो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश, बोध विचार का प्रकाश, स्वरूप विचार स्वरूप ज्ञान का प्रकाश, व्यवहार का प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हृदय में। तो हृदय में है कोई पावर हाउस ना, तभी तो वहां से ज्ञान की रश्मियां निकल रही हैं, ज्ञान के प्रकाश निकल रहे हैं। साहब कहते हैं वहीं तुम सुख शांति पाओगे हृदय में, जब अपने आप को पहचानोगे। वहां पर ज्ञान का प्रकाश है हृदय में, हृदय तुम्हारा ज्ञान से आलोकित रहना चाहिए, उस स्वरूप ज्ञान से, संसार के ज्ञान से नहीं। लेकिन इसकी शर्त यह है शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे। शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का अर्थ शशि के लिए मन किया गया है। इसका अन्य शास्त्रों में भी अन्य कवियों और लेखकों ने यही अर्थ किया है। चंद्रमा का जो रूपक है मन से किया गया है। कबीर साहब ने अन्यत्र भी जहां कहा है चंद्रमा, वहां मन ही अर्थ दिया है, यहां भी वही अर्थ है। 13वीं रमायणी में साहब ने कहा है कि वो शब्द 13वीं रमायणी में बात आई है, देखो याद नहीं आता कौन सी जगह। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, जिसकी बुद्धि ओछी हो जाती है तो चंद्रमा गौ अथई, उसका चंद्रमा अस्त हो जाता है। मतलब मन डूब जाता है विषयों में। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। त्रिकुटी के संगम में स्वामी का निवास होता है। जब चंद्रमा डूबा हुआ ना हो और पूर्ण विकसित हो, तब आत्मबोध होता है, तब फिर स्वरूप ज्ञान का दर्शन होता है, उस स्वामी के दर्शन होते हैं। मन ही अस्त हो गया, मन से ही, मन ही एक साधन है। मन के ही आधार से, मन के ही माध्यम से संसार में भटका जाता है, विषयों में व्यक्ति डूबता है, तो मन के ही सहारे, मन का ही आधार लेकर के व्यक्ति गुरु भक्ति भी करता है, स्वरूप चिंतन भी करता है, और फिर मन से ही जब पूर्ण स्वरूप बोध को समझ लिया तो फिर
स्वरूप स्थिति भी मन के ही साधन से किया जाता है। अब कहा गया मन से कि तुम शांत हो जाओ, मैं अपने स्वरूप में ठहरूंगा, तब मन के कहने से ही मन शांत होता है। जब हम मन को ही नहीं समझेंगे, ये अपनी चंचलता को नहीं समझेंगे, विषयों में भटकते रहेंगे, तब ना मन को समझ पाएंगे और ना स्वरूप का बोध हमें हो पाएगा। इसलिए मन एक साधन है, जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी लगा करके जंगल से एक लकड़ी लाया गया और कुल्हाड़ी में लगाया गया और फिर उसी कुल्हाड़ी से जंगल को काट दिया जाता है। बिना लकड़ी लगाए कुल्हाड़ी में अन्य लकड़ियों को नहीं काटा जा सकता। इसी प्रकार बिना मन को समझे मन को नहीं मिटाया जा सकता और बिना मन को मिटाए फिर स्वरूप बोध नहीं हो सकता, स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। तो वही बात यहां पर शायद कहते हैं, ससि विग्रसित संपुट नहीं आवे। ये का अक्षर जो कहता है कि जो ज्ञान की रश्मियां तुम पाना चाहते हो, स्वरूप बोध पाना चाहते हो, तो तुम्हारा चंद्रमा अस्त नहीं होना चाहिए, वो विकसित रहे। वो मन जो है विषयों में डूबना नहीं चाहिए, वो सदैव विकसित रहना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। खिला होने का मतलब मन जो है सद्गुणों में, सदाचार में, भक्ति सत्संग में, सेवा में सदैव प्रफुल्लित हो। यही है चंद्रमा का खिले रहना, मन का प्रफुल्लित रहना। जो साधक सेवा नहीं करेगा, जो साधक अहंकार में डूबा रहेगा, जो भक्ति सत्संग सुसंग सदाचार संयम बोध वैराग्य का आधार नहीं रखेगा, देहाध्यास विषयाध्यास में डूबा रहेगा और मोह आसक्ति में पड़ा रहेगा, देह को ही वो झांकता रहेगा, निहारता रहेगा और इंद्रियों को ही पोषता रहेगा, उसका मन कैसे विकसित रहेगा, वो कैसे शांत तथा स्वस्थ रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि मन उसका विकसित रहे, खिला रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त से ही जब साधना सेवा और भक्ति की जाती है तब फिर हमारी साधना सफल होती है, प्रसन्नता ही नहीं है। और वो प्रसन्न कैसे हो सकता है जो आलसी होगा, जो भक्तिहीन होगा, जो इंद्रिय संयम नहीं करेगा, वो कैसे प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न होने के अपने नियम हैं। तराजू का कांटा जैसे होता है, अगर तराजू में तौल अच्छी नहीं है तो कांटा बता देगा कि माल या तो कम है या ज्यादा है, तौल अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से हमारा मन बता देता है, चेहरा बता देता है कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे कर्म कैसे, हमारा जीवन कैसा है। कोई दूसरा पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन व्यक्ति स्वयं तो पढ़ ही सकता है अपने मन को कि मेरे मन में कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता है और कितनी भक्ति है और कितना बोध विचार है। और ना पढ़ सके तो विचारवानों से पढ़वा ले। अगर अंधाधुंध है किसी प्रकार का, मनोमालिन्यता का, तो नहीं पढ़ पाएगा, तो विचारवानों से पढ़वावे। परखत खरी परखावत खोटी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन का खिला होना बहुत जरूरी है। इसलिए साधक ये ध्यान दे, वो कितना बड़ा विद्वान हो गया है इस बात का महत्व नहीं है, वो सेवा में सत्संग में बोध विचार में और गुरु भक्ति में आत्म संयम में कितना ज्यादा तद्गत होता है, इन चीजों का ख्याल रखे। उसके पास कितनी सुविधाएं हैं और कितनी बड़ी भीड़ आती है, कितना बड़ा मठ है
और कितना ऐश्वर्य है, इन चीजों का कोई खास महत्व नहीं है। साहब साफ कहते हैं कि उसका मन जो है प्रसन्न होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। और मन प्रसन्न होने के लिए जरूरी है कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ये तीन चीजें बस। अगर अगर एक चीज को लिया जाए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य में कोई कहे कि एक चीज साहब हम अपनाना चाहते हैं, कौन सी चीज को लें कि जिससे कल्याण हो जाए, ज्ञान भक्ति वैराग, सेवा सत्संग स्वाध्याय, ये तीन में से कोई एक में से कौन सा चीज लिया जाए कि जिससे हमारी साधना आगे बढ़ती जाए, तो वह है भक्ति, वह है सेवा। अलग अलग नहीं है भक्ति और सेवा, ये अलग अलग नहीं है। भक्तिमान अगर व्यक्ति होगा तो वो ज्ञानवान भी हो जाएगा, वैराग्यवान भी होगा वो। भक्ति विहीन व्यक्ति ये दोनों से वंचित रहेगा। लेकिन भक्ति भी इन दोनों की कसौटी से कसी हुई हो, बोध के भी, ज्ञान से भी और वैराग्य से भी। अगर भक्ति हम उखड़ माखड़ कर रहे हैं, जो ज्ञानहीन है और वैराग्यहीन है, तो उनकी भक्ति बेकार हो जाएगी। मतलब तीनों का समिश्रण है, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ है भक्ति है, सेवा है। गुरुदेव जी तो इस पर बारंबार चर्चा किया करते थे साधकों के बीच में कि सेवा ही चित्त शुद्धि का प्रथम साधन है। जो साधक सेवा नहीं करता है, जो साधक शरीर से निष्क्रिय बनकर, निकम्मा बनकर के बैठता है, वो अपने चित्त को कभी शुद्ध कर ही नहीं सकता है। इसलिए सेवावान आखिर साधक जब गुरु आश्रम में आता है तो सबसे ज्यादा उसे सेवा का कार्य दिया जाता है। वो ध्यान करे, ध्यान में बैठा रहे, रोका जाता है इसके लिए। बहुत पढ़ता लिखता रहे, इसके लिए भी कहा जाता है कि समय से पढ़ो लिखो, समय से ध्यान करो, अधिक समय सेवा में लगाओ। ये सबका नियम है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का नियम है। सबसे पहले स्थूल ही आता है। कहीं कोई हम संत के दर्शन करने गए तो पहुंचते ही हमें स्वरूप ज्ञान की बातें थोड़े बताने लगते हैं, या हमारे पास कोई आवे, आते ही उनको हम स्वरूप ज्ञान की बातें ही थोड़े झाड़ने लग जाते हैं। कोई आता है, पहले उसको स्थूल जल भोजन दिया जाता है, फिर थोड़ा उससे सूक्ष्म में उसका समाचार कुछ पूछा जाता है, कैसे है, सब ठीक ठाक है समाचार, तब फिर बाद में समय देख करके ज्ञान बोध विचार की चर्चाएं भी की जाती है। तो इसका अपना नियम है, जीवन में भी यही नियम है, भक्ति वैराग्य और ज्ञान, इसका भी नियम है। स्वामी शंकराचार्य ने भी इस पर खूब जोर दिया है कि श्रेष्ठ क्या है, मुक्ति कारण सामग्रणाम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। मुक्ति की जो कारण सामग्री है, साधक मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो मुक्त होने के लिए जो अनेक साधन हैं, उसकी जो अनेक सामग्री हैं, उसमें से स्वामी जी कहते हैं भक्तिरेव गरीयसी, अन्य अनेक साधन हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, बोध भी है, वैराग्य भी है, सेवा भी है, सत्संग है, स्वाध्याय है, संयम है, त्याग है, ये कई सभी साधन मुक्ति में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण साधन हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति श्रेष्ठ है, गरीसी, गरीसी महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ, गरिष्ठ, तो भक्ति का बड़ा महत्व है। जो साधक भक्ति को नहीं अपनाता है, फिर वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए साहब कहते हैं शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे, उसका मन रूपी चंद्रमा खिला हुआ हो, मतलब वो भक्तिवान हो, अपने गुरुजनों के लिए सबसे पहले भक्तिवान हो, फिर वो अपने जीवन के लिए त्यागपरायण हो,
फिर अपने मन के लिए निष्काम निर्मोह बने और फिर अपने स्वरूप बोध के लिए पूर्ण स्थितिवान हो। ये क्रम से साधना का नियम चलता है और जो साधक इस प्रकार से अपने जीवन को बनाते चलता है निरंतर बड़ी तेजी से वो अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता जाता है। शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे तहां कुसुम रंग जो पावे औगह गही के गगन रहावे। कुसुम माने एक फूल होता है, कुसुम का अर्थ ही होता है फूल, और वह फूल कुसुम का दूसरा अर्थ होता है पीत कलर, पीला कलर, पीला रंग। कुसुम यहां पीला कलर से स्वर्ण से अर्थ दिया गया है। सोना किस कलर का होता है? पीला कलर। सोना लोहा से सस्ता होता है कि महंगा? महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, तो कीमती है, तो उस सोने से इसको जोड़ा गया है। साहब ने एक जगह और कहा है, बीजक में ही साखी प्रकरण में, कि हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तो ही। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सुनहला रंग वाला, सुनहला सोने से बना हुआ है, सोने के रंग वाला। तुम सोने के रंग वाले हो मतलब सोना की तरह तुम कीमती हो। वही बात यहां भी साहब कहते हैं कि तहां कुसुम रंग जो पावे, तुम कुसुम रंग को प्राप्त करोगे, स्वर्ण रंग को प्राप्त करोगे, मतलब सोने जैसे कीमत तुम्हारी हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब अवगह गही के गगन रहावे। जो एक अवगह चीज है जिसको जो ग्राह्य ग्रहण ना किया जा सके उसी को ग्रहण करना है, जो ग्रहण ना किया जा सके उसको कैसे ग्रहण करना है? साहब कहते हैं उसी को ग्रहण करना है। जैसे कोई अवगह क्या है, कोई अपने बाएं हाथ को बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकता है, अवगह है ना, लेकिन फिर भी जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हाथ तो मेरा ही है, तब वो ग्रहण हो गया मानो। जैसे अपनी आंख को हम खुद नहीं देख सकते, आंखों के कोई देखता है, साधन से देखता है, दर्पण का साधन जब लिया तब आंखों को देखता है, लेकिन दर्पण ना होने पर आंखों को हम नहीं देख सकते। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो मैं पेड़ पहाड़ नदी झरने या पूरे संसार को देख रहा हूं, पशु पक्षी नर नारियों को आंखों से ही तो देख रहा हूं, तब मानो ग्राह्य हो गई। इसी प्रकार ये स्वरूप का बोध है। ये स्वरूप का बोध कोई हाथ से ग्रहण करने की चीज नहीं है। अपनी आत्मा को हाथ पैर से, चीज से, किसी बाह्य साधन से पकड़ने की ये चीज नहीं है। बस ये इसीलिए अवगाह है, लेकिन इसी को ग्रहण करना है। हमको कैसे ग्रहण करना है? अपने आप को पहचाने कि जो बाहर सब ज्ञान कर रहा हूं ये मैं ही तो हूं, मैं ही जब ना रहूं तब ये इंद्रियां काम नहीं करती, इंद्रियां अपने आप में सक्षम नहीं है, हाथ पैर अपने आप में सक्षम नहीं है विषयों को पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए, संसार को देखने के लिए, शब्दों को सुनने के लिए, कान अपने आप में सक्षम नहीं है। उसको ग्रहण करने वाला, कान को शक्ति देने वाला, आंख को शक्ति देने वाला, पैरों को, हाथों को, जीभ को शक्ति देने वाला, त्वचा को शक्ति देने वाला कोई और है, मस्तिष्क को क्रियाशील करने वाला, हृदय को भक्ति भाव से भरने वाला कौन है? वही एक अवगाह है। उसी स्वरूप चेतन आत्मा को पहचानना है। और जिस दिन हम यही, इसीलिए कहा गया है धीरे धीरे यत्न पूर्वक यत्या छीड़ दोषा,
जब यत्न पूर्वक दोषों को घटाते जाएंगे और सेवा सत्संग भक्ति में लगेंगे और गुरु संतों का आधार लेकर के निरंतर अंतर्मुख बने रहेंगे, तब वो होगा। यत्या धीरे धीरे यत्न पूर्वक साधना करते हुए ये काम होता है, झटके में नहीं। झटके से हाथ अगर कहीं पत्थर में दब जाए और हम झटके से खींच लें तब क्या होगा, हाथ उखड़ जाएगा। एक बार यही हुआ, दरवाजे में पहले के दरवाजे जो होते थे सिटकिनी उठाकर लगाई जाती थी ऊपर, और हम दरवाजे पर खड़े थे और ऊपर के जहां सिटकिनी फंसाई जाती है उसमें डाल दिए उंगली, और वो छोटा था। अब उंगली फंस चली तो गई लेकिन अब निकल नहीं रही है, परेशान। अब क्या करें, बहुत देर तक निकालते रहे निकल ही नहीं रही है। अब झटके से खींच लें तब तो उखड़ ही जाए उंगली। धीरे 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 बहुत संभालते हुए सरकाते हुए इधर की त्वचा को उधर धीरे से निकला। ऐसे धीरे से काम होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। माली हजारों घड़ा पानी सींचता है लेकिन समय से फूल फल लगते हैं। इसी प्रकार साधक धीरे धीरे गुरु संतों का आधार लेकर, सत्संग का आधार लेकर, धीरे धीरे इंद्रियों का संयम करते हुए, धीरे धीरे सदाचार का ग्रहण करते हुए लगा रहे पट्ठा लगा रहे। वो एक संत कहते हैं कि वो लगे रहो बस। ये भर्तृहरि जी की वो बात याद आती है, भर्तृहरि जी के वचनों में एक जगह आया है कि आदमी क्या नहीं कर सकता, बस इतना ही है। आगे फिर उन्होंने नहीं कहा क्या नहीं कर सकता। तब उनके भांजा श्री आए, तब उन्होंने कहा कि ये बात अधूरी है। हाँ, आदमी क्या नहीं कर सकता ये तो सच है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा लगा रहे तो। उन्होंने पूरा किया, गोपी चंद जी ने पूरा किया कि लगा रहे तो। जरूर आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन लगा रहेगा तब कर सकता है, ये वाक्य पूरा है। अगर बीच में ही छोड़ दिया तो ये जो बड़े बड़े काम हुए हैं ज्ञान विज्ञान के, ये लगे रहने से हुआ है, एक दिन के मेहनत से नहीं हुआ है। आइंस्टीन हो या न्यूटन हो या मैडम क्यूरी हो या पेरियार हो या इंजीनियर पेरी हो, कोई भी हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे संत महात्मा बुद्ध महावीर कबीर दयानंद विवेकानंद हो, और चाहे बड़े बड़े पूंजीपति लोग हुए हों, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष करोड़। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते, चाहे पहलवानी हो, एक दिन के घी खा लेने से, एक दिन के व्यायाम कर लेने से कोई पहलवान हो जाता है क्या? धीरे धीरे काम होता है, लगे रहो। साहब कहते हैं कि ये जो अवगाह को ग्रहण करने की बात है, लगे रहने से होता है, एक दो दिन से नहीं होता है। लगे रहो, उबो मत, घबराओ मत, छोड़ो मत। खेती किसान जब किसानी करता है, खेती करता है, लगा रहता है, मौसम को देखता है, पानी को की पहचान करता है, कब कितना और किस फसल में कब पानी चाहिए इसका ज्ञान रखता है, कब बोया जाए, कितना कब खाद डाला जाए, कितनी निराई गुड़ाई किया जाए, और पशु पक्षियों से जानवरों से उसकी रक्षा की जाए, फिर काटा जाए, लाया जाए घर, तब फसल उसके घर में पहुंचती है। कितना मेहनत है, व्यापारी कितना मेहनत करता है, एक विद्यार्थी कितनी मेहनत करता है, एक दिन की पढ़ाई से वो डिप्टी कलेक्टर हो जाता है क्या? साधक के लिए भी यही है। साधक जब भक्ति क्षेत्र में या साधना क्षेत्र में उतरता है, सब मेहनत नहीं किया और फल तुरंत चाहता है, मन नहीं शांत हुआ साहब, जीवन में सुख शांति नहीं मिली, इतने दिन हो गए दीक्षा लिए और जीवन में कोई लाभ ना हुआ, वो लाभ भी क्या मानते हैं,
तुच्छ सांसारिक भौतिक लाभ, धन रुपए पैसे दुकान जमीन पुत्र पौत्र और निरोग्यता का लाभ चाहते हैं। ये आध्यात्मिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ मन से जुड़ा हुआ होता है, शांति से जुड़ा हुआ होता है। और फिर जब धीरे धीरे इधर लगेंगे आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारिक लाभ भी होगा, स्वभाव का लाभ होगा। जिसका स्वभाव सुधर गया, जीवन सुधर गया, तो वो व्यापार में भी लाभ प्राप्त करता है, व्यवहार में भी उसके चारों तरफ पैठ होती है, प्रतिष्ठा होती है। इसलिए धीरे धीरे उस अवगाह को ग्रहण करने के लिए साधक को भक्ति क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में मन इंद्रियों को स्वच्छ करना चाहिए और आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। तो साहब कहते हैं, सस्य विग्रसित संपुट नहीं आवे, उसका मन रूपी चंद्रमा खिला हुआ हो, वो संपुट ना हो, मुरझाया हुआ ना हो और आत्म कल्याण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जाए। इस प्रकार से सद्गुरु कल्याण की ये बातें कितनी बारीक और कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर साहब बताते हैं कि कैसे साधक को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप का सुधार हो, कैसे कल्याण हो। इन चीज़ों को हम परखें और समझें। साहब आगे बताते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाणी दहूं दिस धावे, खसमई छाणी छिमा हुए रहिए, होए न खीन अक्षय पद लहिए। इन 34 अक्षरों में दूसरा अक्षर आता है खा। खा के माध्यम से सद्गुरु कबीर उपदेश करते हैं कि खा अक्षर कहता है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाणी दहू दिस धावे। खा अक्षर कहता है कि तुम खैर को मनाओ। खखा चाहे, अगर तुम खैर चाहते हो, अपना कुशल चाहते हो, तो खोरी मनाओ। खोरी कहते हैं गलियों को, खोरी खोर देहाती में भी कहते हैं कि खोर बहारा, खोर को बुहारने वाला। तो खोर माने रास्ता, गली। तो गली को मनाओ, गलियों को साफ रखो। तो गलियां क्या हैं? ये इंद्रियां ही गलियां हैं हमारे जीवन में। इंद्रियां कितनी इंद्रियां हैं? 5, आंख नाक कान जीभ चाम, ये 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को, इन गलियों को मनाओ। मनाने का मतलब साफ रखना। खखा चाहे खोरी मनावे, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो इन गलियों को मनाओ, मतलब गलियों को साफ रखो। अपने मन को हम साफ स्वच्छ रखें, कहीं भटके ना बाहर विषयों में। खखा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाणी दहू दिस धावे। खसम को छोड़ करके तुम सर्वत्र भटको मत। खसम के अलग अलग सद्गुरु कबीर कितने बड़े शब्द शिल्पी हैं। वे खसम का एक ही यहाँ इस अक्षर में दो शब्दों का, दो अर्थों का प्रयोग करते हैं। खसमई छाणी छिमा होए रहिए, यहाँ के खसम का अर्थ है खसमई छाणी छिमा होए रहिए। खा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने मन इंद्रियों को अपने वश में करो तथा उसमें पड़े हुए दोषों का सुधार करो। यहाँ के खा अक्षर का अर्थ, खसम अक्षर का अर्थ है दुश्मन। दुश्मन मतलब
क्योंकि यह मनोवृत्ति चेतन स्वरूप पति को छोड़कर दसों दिशाओं में भटकती है। तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हारे दुश्मन हैं। साहब कहते हैं खसमय छाड़ छिमा हो रही है, खसम को छोड़ करके ये तुम्हारी जो बुराइयां हैं, तुम्हारे जो दोष हैं, इनको छोड़ करके तुम कहीं बाहर भटको मत। खसमय छाड़ छिमा हो रही है, होए न खीन अच्छय पद लहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में खैर शांति मंगल चाहे, उसका पहला काम है कि वह अपने मन तथा इंद्रियों को अपने वश में करे। दोषों का सुधार एवं बुराइयों का त्याग किए बिना, मन तथा इंद्रियों को अपने वश में किए बिना किसी को भी जीवन में शांति नहीं मिल सकती। दोषों का त्याग अत्यंत आवश्यक है। जब तक साधक अपने दोषों पर दृष्टि नहीं डालता, तब तक उसके जीवन में साधना की उन्नति हो ही नहीं सकती है। खा अक्षर यही कहता है कि खसमय छाड़ छिमा होए रहिए, अपने इंद्रियों में जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, इनको छोड़ करके जब तुम शांत नहीं रहोगे, तब तक तुम सर्वत्र भटकते ही रहोगे। खसमय छाड़ छिमा होए रहिए, दोषों को छोड़ करके, दोष ही दुश्मन हैं, इनको छोड़ करके जब तक तुम अपनी तरफ लौटोगे नहीं, दोषों को छोड़ोगे नहीं, तब तक शांति नहीं पा सकते। खसमय छाड़ छिमा होए रहिए, होए न खीन अच्छय पद लहिए। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी बुराइयां ही तुम्हारे शत्रु हैं, इन्हें छोड़ दो और दूसरों द्वारा अपने ऊपर किए गए आघात के अपराध को क्षमा कर दो। खसमय छाण छिमा हुए रहिए, दूसरों के द्वारा जो तुम्हें आघात मिले हैं, किसी ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो उससे बदला लेने की भावना ना रखो। खसम अरबी भाषा का शब्द है, तो खसमय छाण छिमा हो रहिए, जिसका अर्थ होता है शत्रु। दूसरे अर्थ में, एक अर्थ में होता है दुश्मन और शत्रु, और दूसरे अर्थ में होता है पति और मालिक। तुम मालिक को छोड़ करके कहां भटक रहे हो? और दूसरे अर्थ में होता है तुम उस शत्रु के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, और वो तुम्हें जो परेशान कर रहा है, ये मन, मन ही शत्रु है और स्वरूप चेतन आत्मा ही मालिक है। तो खसमय छाणी छिमा होए रहिए, शत्रु को छोड़ करके, इंद्रियों के दोषों और बुराइयों को छोड़ करके शांत हो जाओ। ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इसमें भटको मत। और दूसरी बात कि खसम को पा करके, मालिक को पा करके शांत अपने स्वरूप में लौट आओ। होए न खीन अच्छय पद लहिए, फिर खीन नहीं होगे। खीन माने खिन्न होना, दुखी होना, भटकना। तो फिर खिन्न नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, तब क्या होगा? अक्षय पद की प्राप्ति होगी। अक्षय पद जो क्षय ना हो, जिसका विनाश ना हो, जो छीण ना हो, उस पद की प्राप्ति होगी। वो पद क्या है? स्वरूप स्थिति। संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, सब परिवर्तन की धारा में बह रही हैं। चाहे घर परिवार हो और पुत्र धन पति पत्नी हो, और ये पूरी प्रकृति बदल रही है।
लेकिन एक अक्षय पद है, निज चेतन स्वरूप। लेकिन इसका साक्षात्कार क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी जो मनोवृत्ति है विषयों में भटक रही है, विषयाकार बनी हुई है, तो उसी का अनुभव हो रहा है। ये मन जिस चीज को सोचता है उसी को सामने रखता है, उसी की वृत्ति बनी रहती है। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी हमारी दशा हो जाती है। जैसे जब मन में क्रोध आया, तो क्रोधाकार, उस समय फिर क्रोध की वृत्ति जगी और फिर मारो, गाली दो, मिटाओ और सताओ लोगों को। काम वासना आ गई तो कामाकार वही दिखता है चारों तरफ। फिर कैसे मिले विजाति घट, दूसरे का शरीर, इंद्रियों के भोग। लेकिन जिस क्षण साधक की मनोवृत्ति भक्तिवान होती है, सेवा परायण होती है और आत्माकार होती है, तो शांत, स्वरूपस्थ, स्थिर और अंतर्मुखी होती है। फिर वहां पर दुख नहीं, चंचलता नहीं, आसक्ति नहीं, भ्रम नहीं। इसलिए साहब कहते हैं अक्षय पद की प्राप्ति होगी, होए न खीन अक्षय पद लहिए। तुम जब अपने दोषों को मिटा लोगे, सदगुरु इस खा अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे अक्षय पद मिले, तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को स्वस्थ करो। और खसमई छाणी दहू दिस धावे, तुम अपने मालिक को, अपने स्वरूप को छोड़ करके, आत्मस्थिति को छोड़ करके संसार में क्यों दसों दिशाओं में भटक रहे हो? सब तरफ आदमी भटक ही तो रहे हैं ना। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहू दिस धाये। दो मालिक हैं, एक है सदगुरु जिनसे हमें ज्ञान बोध विचार की शिक्षा मिलती है, और दूसरा मालिक है अपना निज स्वरूप। तो साहब कहते हैं तुम अपने मालिक को छोड़ करके, गुरुजनों को छोड़ करके, उनके बोध विचार को छोड़ करके, उनकी शरण संगति को छोड़ करके क्यों भटक रहे हो? और फिर दूसरे अर्थ में है कि स्वरूप चिंतन, स्वरूप बोध, स्वरूप स्थिति को छोड़ करके तुम दसों दिशाओं में संसार में क्यों भटक रहे हो? ये मालिक अर्थ में है। और दूसरा अर्थ है खसमई छाड़ी छिमा होए रहिए। खसम यहां दूसरा अर्थ है शत्रु, बैरी, दुश्मन। तुम अपने बैरियों से दूर हो करके, उनसे हट करके शांत हो जाओ। बैरी कौन है यहां? दोष, बुराइयां, गंदी आदतें, यही दुश्मन है, यही तो हमें सताती हैं। जितना हमारा गंदा स्वभाव, गंदा मन, गंदी आदतें सताती हैं, हमें दुख देती हैं, उतना तो कोई दुश्मन नहीं दुख देता। अपनी गलत आदतों के कारण ही तो आदमी रात दिन बेचैनी और अशांति का अनुभव करता है। इसलिए साहब कहते हैं खसमे छाण छिमा हो रही है, उन गंदी आदतों दोषों को छोड़ करके शांत हो, होए नखीन अच्छा पद लहिए, तब तुम पूर्ण दुखहीन होगे और अक्षय पद, आत्म पद, जो अटल पद है, यही है तस्य आत्मायम लोकः, आत्मलोक। उपनिषद में उसे कहा गया है कि शायद याज्ञवल्क ने कहा है मैत्रेयी को समझाते हुए, हे मैत्रेयी, मैंने तुम्हें उस लोक में पहुंचा दिया जहां पर कोई दुख नहीं, तस्य आत्मायम लोकः। पूरा याद नहीं है ये कहाँ का वचन है, लेकिन शायद याज्ञवल्क ने ही कहा है। ये आत्मा ही आत्मलोक है, स्वरूप चेतन निज स्थिति ही आत्मलोक है, और ये आत्मलोक ही अटल पद है, कभी ना नष्ट होने वाला। बाहर के सारे लोग परिवर्तनशील हैं और वहां पर हमारी स्थिति नहीं हो सकती है। हमें अपनी तरफ लौट करके उस स्वरूप चेतन आत्मा
का अनुभव करना चाहिए। इसके लिए इंद्रियों का संयम, गुरु की भक्ति, दोषों का त्याग और तब फिर ये आत्म साक्षात्कार होता है। बस इन दो अक्षरों और शुरुआत में ज्ञान चौतीसा की भूमिका रूप में जो ओम पर विचार किया गया, इस पर आज कुछ चर्चाएं की गई, शेष बातें आगे कही जाएगी। यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।